बढ़ती जनसंख्या को सही डायरेक्शन में अगर लगाया जाए, हर आदमी यहाँ कपड़ा पहनता है, हर आदमी जूते चप्पल पहनता है, हर आदमी के घर में बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप देखना उन बेसिक चीज़ों में से ज़्यादातर चीज़ें विदेशी हैं। मतलब गरीब आदमी के पास भी आप मार्केट में जाते हैं कपड़े लेने, तो भी आप देखोगे कि बाहर से कपड़ा आ रहा है कितना ज़्यादा, जबकि हम उस देश में रहते हैं जिनका कपड़ा कभी यूरोप वाले मतलब शो ऑफ करने के लिए पहनते थे कि ये कपड़ा इंडिया से आया। ये बातें मैंने अपने मन से नहीं बनाई, NCERT क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री को उठा के पढ़ना, तुम खुद देखोगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में पूरी इंडिया कैसे डेवलप हुआ और इंडिया में पहले से क्या कुछ था, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया कोई ऐसा वैसा देश नहीं था। इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा और बहुत सारी चीजों में हम नंबर वन थे, पर वो गलत नीतियों के चलते अंग्रेजों ने भारत में इस तरह की नीतियां बनाई कि वो सब चीजें बर्बादी की तरफ आ गई, इस देश में ढेरों अकाल पड़ने लग गए, और जिस देश में कभी हमने भुखमरी या गरीबी और बदहाली के शब्द नहीं सुने थे, यहाँ के लोग भूख से मरने लग गए, यहाँ अकाल पड़ने लग गए, करोड़ों करोड़ों की जनसंख्या अकाल में मरने लग गई, क्योंकि सही तरीके से काम नहीं किया गया। लेकिन उस दौर की बातें छोड़ें, हम आज की बात करें, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, अब उस पे ये रोके कि 200 साल हम गुलाम रह गए इसलिए ऐसा हुआ, आज के सिनेरियो में अगर देखें तो अब सच में वापस जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, हेल्थ पे काम किया जाए, एजुकेशन पे काम किया जाए, तब इकोनॉमी आगे बूस्ट हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ ये कह देने से कि हमारी सरकार ऐसा करेगी, हमारी सरकार, ये देश आगे नहीं।